देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की, प्रूव दैट अ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। इसके लिए पहले अपन मान लेंगे कि लेट ए बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज एन बाय एन, वेयर एन इज जीरो। अपन को मालूम है कि जो अगर ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए विल बी इक्वल टू माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज। तो अपन ने क्या किया, दोनों जगह मॉड ले लिया, तो मॉड ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का होल मॉड। अपन को मालूम है कि अगर मॉड ऑफ के ए दिया हुआ है तो वो होता है के की पावर एन मॉड ए, जहां पे एन होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको लिखेंगे माइनस वन इंटू ए की पावर ट्रांसपोज, तो माइनस वन की पावर एन बाहर आ गया और ये आ गया ए ट्रांसपोज। सिंस एन ऑड है, समझ लो एन थ्री है, एन फाइव है, तो माइनस वन की पावर थ्री क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन की पावर फाइव क्या होगा, माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पे क्या था, मॉड ए डिटरमिनेंट ए, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ए, और यहाँ पे अपना डिटरमिनेंट ए पहले से था, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए, उसको अपन यहाँ पे ले आ जाएंगे एलएचएस में, तो टू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो, दैट इज डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के और पार्ट की, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपन मान लेंगे कि एक ए कोई भी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर वो सिमेट्रिक है तो उसकी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जी आई। और अगर वो ए मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई। अपन ने क्या किया, इसको इक्वेशन वन मान लिया, इसको इक्वेशन टू, दोनों को एड कर दिया, तो ए आई जे प्लस ए आई जे विल बी टू ए आई जे, एंड ए आई ए जी आई माइनस ए जी आई विल बी जीरो। सो टू ए आई जे इक्वल टू जीरो, दैट इज ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे जीरो है मतलब इसका जो हर एलिमेंट होगा वो जीरो होगा, तो अपन क्या लिख देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज जीरो, हेंस ए इज अ नल मैट्रिक्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अपन से, सिंप्लीफाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंस अगर आप इसको केयरफुली देखें तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट माइनस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, तो अपन ने क्या किया, एक्स को क्या मान लिया, साइन थीटा, और रूट एक्स को क्या मान लिया, साइन अल्फा। तो क्या हुआ उससे, तो एक्स को लिख दिया साइन थीटा और रूट एक्स को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, रूट एक्स को लिखा साइन अल्फा और एक्स को लिखा साइन थीटा, तो ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो बाहर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। सो दिस विल बी साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो दिस विल बी साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा विल बी थीटा माइनस अल्फा। अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ के जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपको थीटा और अल्फा की वैल्यू कहीं दी हुई नहीं थी, वो तो अपन ने एज्यूम किया था कि एक्स साइन थीटा है और रूट एक्स साइन अल्फा है, तो अपन को आंसर किसमें देना है, अपन को आंसर देना है एक्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे अपन, वो दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे अल्फा निकालेंगे वो भी वो होगा साइन इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा की जगह रख दिया अपने साइन इनवर्स एक्स और अल्फा की जगह रख दिया साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के और पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट कहता है, प्रूव दैट tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse 3 equals to pi। इसमें क्या करेंगे, पहले तो अपन LHS उठा लेंगे क्योंकि अपन को प्रूफ करना है, तो अपन ने लिखा tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse 3। For tan inverse 1 plus tan inverse 2, अपन यहाँ पे चाहते हैं कि tan inverse a plus b का फॉर्मुला लगाएं, which is tan inverse of ab upon 1 minus ab। लेकिन बेटा ये फॉर्मुला कब लगता है, जब ab less than 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जब अपन 1 into 2 करेंगे तो कितना है 2, which is greater than 1, और 1 भी 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है, तो अपना फॉर्मुला क्या लगेगा, tan inverse a plus tan inverse b equals to pi plus tan inverse ab upon 1 minus tan b, 1 minus tan a, 1 minus ab। तो अपना फॉर्मुला क्या हो गया, tan inverse 1 plus tan inverse 2 equals to pi plus tan inverse of 1 plus 2 upon 1 minus 1 into 2। तो अपनी चीज क्या हो जाएगी, पाई प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 3, और 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, तो ये क्या हो गया 3 अपॉन माइनस 1, तो ये हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस 3, और टेन इनवर्स 3 पहले से ही था, और अपन को मालूम है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ गया, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 3 इक्वल प्लस टेन इनवर्स 3, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई, विच इज अवर आर एच एस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 4, ये अपन को गिवन है। अपन को प्रूफ करना है कि x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की, जो होती है tan इनवर्स ऑफ ab अपॉन 1 माइनस ab। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स है तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू अपन को मालूम है 1, और x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया 1, 1 माइनस एक्स वाई को अपन इधर भेज देंगे, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई को इधर भेज दिया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 1, हेंस प्रूव्ड।